की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एम एस एक्सेस की क्लास में चूंकि टॉपिक तो खत्म हो गए हैं, हम टाइम में कुछ चीजें जो हैं वो हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कैसे एम एस एक्सेस से डाटा एक्सेल में इंपोर्ट करते हैं, और एक्सेल से कैसे एम एस एक्सेस, ठीक है, ये सीखने वाले हैं। विंडो आर गेट ओपन कर लें, एम एस एक्सेस कोई भी डाटा ओपन कर लीजिएगा जो आप लोग का है, जिस पे आप लोग डाटा बनाए हैं, चाहे मान लो ऑर्डर डाटा हो या फिर जो भी हो। मान लो एक स्टूडेंट लिस्ट ही दिख रहा है आपको, इसी को अलग पेज पे रखना है या फिर डुप्लीकेट वैल्यू को या क्रॉस टेबल को, जो भी करना है एक कोई ले लीजिएगा, ठीक है। मान लो एक ए वाला ले लिया टेबल वन, तो उसके लिए हमको करना क्या होता है, आप यहाँ आ जाएंगे एक्सटर्नल डाटा फील्ड, ठीक है ना। यहाँ एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, इंपोर्ट लिखा है, तो यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, इसको भेजना है ना, एक्सपोर्ट एक्सेल पे करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे ओके। फिर फाइनल ले आओ, क्लोज कर देंगे। लोकेशन नहीं पूछा है ना, लोकेशन लेना पड़ेगा ना आपको, हाँ लोकेशन ले लीजिएगा, ब्राउज कर लीजिए कहाँ लेना है इसको, इसमें ले लेना है लीजिए आप, ठीक है। डेवलपर के नाम से जाएगा, सेव कर लीजिए, सेव करने को ओके करिए, क्लोज कर दीजिए। कहाँ जाएंगे आप, स्थिति में, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट में, पीडी ऑब्जेक्ट आया टेबल के नाम से डाटा आया है, ओपन कर लीजिए। उससे कहा है रोल नंबर, स्टूडेंट ने हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, डरा हटेगा नहीं, डरा वहां के लिए था ना, आगे नहीं आएगा, हाँ बस। यानी कि हम एम एस एक्सिस से डाटा क्या कर सकते हैं, सिंपल करें, कैसे किए हैं एक बार फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम किस टेबल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, और जिस कैमरा बंद कर लो वो कैटरिंग वाला रूम है क्या तुमका, ठीक है। अब इसमें से कोई भी टेबल जिसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं क्या करेंगे, आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये R1 ये इसी को ले जाना है, या R1 तो इस पे तो हम लोग किए हैं ऑलरेडी, ये मत लीजिए, फर्स्ट टेबल ले लीजिए या डुप्लीकेट वैल्यू ले लीजिए, ये रहेगा ज्यादा बेटर। तो इस सेलेक्ट करने के बाद से कहाँ जाना है, एक्सटर्नल डाटा में जाना है, कहाँ जाना है एक्सटर्नल डाटा में, और ध्यान देना है कि कब हम इंपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे कब एक्सपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। इंपोर्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जब एक्सेल से डाटा यहाँ पे लाएंगे, और इंपोर्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जब यहाँ का डाटा वहाँ भेजेंगे। तो मान लो इस पे क्लिक कर रहा है, तो हमने क्लिक कर दिया कहाँ पे एक्सेल, क्लिक कर दिया, तो लोकेशन पूछता है कि इसको कहाँ सेव करना है, हमें ब्राउज करके लोकेशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ, टेबल वन लिखा हुआ है, डुप्लीकेट लिखा हुआ है, जिस नाम से डाटा लिखा है उसी नाम से बनेगा, ब्राउज कर लीजिए कहाँ पे, तो मैंने कह दिया थ्री ऑब्जेक्ट, और क्या कर दिया सेव कर दिया, और क्या कर देंगे सेव ओके कर, कुछ मत करिएगा ओके कर देंगे, क्लोज कर दीजिएगा। अब आप देखिए इसमें क्या क्या पूछ रहा है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स और फी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स और फी, ये रहा डुप्लीकेट वैल्यू आ गई, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स और फी आ गया कि नहीं आ गया। तो हम क्या किए हैं, क्या किए हैं, एक्सपोर्ट किए हैं, क्या किए हैं, एक्सपोर्ट किए हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि एक्सेल पे डाटा बनाए, विंडो आर करके एक्सेल, ई इंडियन सीईएल एक्सेल, और यहाँ डाटा बना ले, यहाँ हमने लिख दिया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम है ना, यहाँ लिख लिया स्टूडेंट नेम के बाद यहाँ लिख लिया उनके सब्जेक्ट के नाम लिख दिया मान लो, या फिर ऐसे ही यहाँ बच्चों का नाम लिख दिया, चार नाम, अजय, आलिया, और
उसके बाद से स्टूडेंट नेम के बाद से हमने यहाँ कोर्स ले लिया। कोर्स लेने के बाद से कोर्स सब का ले सकते हैं, ए डी सी ए, डी एफ ए, ए डी एफ ए, टैली, ऑफिस मैनेजमेंट, और यहाँ पे ले लिया स्किल ई, में ले लिया पंद्रह, नौ, पंद्रह, हो गया। और इस डाटा को हमने क्या कर लिया, बॉर्डर कर लिया, जो भी करना होगा बॉर्डर करना होगा या मुझे कुछ भी करना है नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइल बना के सेव एज पे क्लिक करके हमने ब्राउज कर लिया, थ्री ऑब्जेक्ट में ही, थ्री ऑब्जेक्ट में ही वो कौन नहीं यहाँ बुक 10 के नाम से सेव कर लिया, कहाँ पे थ्री ऑब्जेक्ट। अब बंद कर दीजिए, वापस से हमें सक्सेस को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कहीं बुक 12 के नाम से आपने ना क्या, बुक 12 के नाम से नहीं है, क्लोज ऑल कर दिया। अब आप आएंगे एक्सटर्नल डाटा पे, सारा काम कहाँ करना है हमें, अब हम एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में नहीं आएंगे क्योंकि अब हम डाटा परिवर्तित नहीं करना है, अब हमें वहाँ से डाटा यहाँ लाना है। कहाँ पे क्लिक करेंगे, इम्पोर्ट डाटा सेक्शन में आएंगे, एक्सपोर्ट डाटा, इम्पोर्ट डाटा, तो यहाँ लोकेशन मांगेगा फाइल का नाम किससे है, ब्राउज कर लीजिए, ब्राउज करना आसान होता है। तो थ्री ऑब्जेक्ट में बुक 10 के नाम से है और क्या कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद क्या करेंगे, ओके, ओके करने के बाद दिखा रहा है स्टूडेंट नेम कोर्स फी, ये ना कितनी सीट में, उसमें कितनी सीट ओपन है, एक्चुअल तीन चार, कौन सा सीट है ना, सीट वन, सीट टू, सीट टू पे कुछ सही नहीं है, सीट थ्री पे कुछ सही नहीं है, कहाँ पे डाटा है। और तीन ही चीज था ना, स्टूडेंट नेम कोर्स फी, हाँ अब देखिए सब एक ही में दिख रहा है, कोई हेडिंग दिख रहा है क्या, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पूछेगा हेडिंग यही रहेगा ना, फर्स्ट रो और कॉलम को हेडिंग देना चाहते हैं ना, तो हाँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर दिया हमने, हेडिंग दे दी, और क्या कर देंगे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फील्ड नेम में रहेगा स्टूडेंट नेम और बाकी शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा, ऐसे ही सारा बदल जाएगा, स्टूडेंट नेम कोर्स सबका। नेक्स्ट करके क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तुरंत एक सीट आ जाएगी बुक 12 ए सीट वन, देखिए आईडी नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स और फी आया कि नहीं आया, यानी जो मेहनत यहाँ पे आप कर रहे थे शॉर्ट टेक्स्ट लेने की या फिर जो भी लेने की, वो कुछ नहीं करना है। तो इसका व्यू ओपन कर लीजिए, तो होम में आइए, इसका व्यू डिजाइन व्यू में ओपन करिए, देखिए अपने आप ऑटो नंबर, शॉर्ट टेक्स्ट नंबर, हम सिलेक्ट किए हैं पिक रे नंबर नहीं किए, तो इतना बढ़िया ऑप्शन है कि आप एक्सेल पे काम किसके लिए था ये नहीं पता है आपको, किसके लिए क्या लेना है, तो समझदार है कि किसके लिए क्या लेना है उससे ले ले, समझ रहा ना। तो आता है बहुत सारे ऑप्शन है, वो कोई मतलब नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। अब एक चीज तो मैंने बताया था आप लोगों को, तो आप बताइएगा आप लोग, मैं व्यू फिर से चेंज कर दे रहा हूँ। अगर मान लो इसमें से एक डाटा मैंने डिलीट कर दिया, जैसे मान लो परवेज का डाटा मैंने सेलेक्ट करके और यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया, तो डिलीट करें तो रिकॉर्डिंग नंबरिंग गड़बड़ हो गया ना। अब हमारे पास पांच लोग थे, अब कितने बचे, चार बचे, सिर्फ चार ही लोग बचे हैं। तो अब बताइए कैसे खुद अरेंजमेंट सही करेंगे, ये आपको बताइए क्या करेंगे। अब सोचेंगे हम मिटा के लिख दें, तीन लिख दें यहाँ पे, कुछ नहीं होगा, बताइए कैसे सही करेंगे, करेंगे व्यू में जाएगा, डिजाइन व्यू में, प्राइमरी घटा दीजिए, प्राइमरी घटा दीजिए, अब से कर दें इसको, नंबर भी कर दें, सेव कर दें, एक तो तीन कर दें, ओके चार कर दें, अपने आप का होना होने के लिए अच्छा हो गया, ठीक है सही है। ये जो आया है नंबरिंग कैसे नहीं करेंगे, तो बताया था मैंने, व्यू में आ जाइएगा, डिजाइन व्यू में आइएगा, प्राइमरी बंद कर दीजिएगा और पहले वाले हेडिंग को क्या करिएगा,
और फिर इंसर्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, फिर वही आईडी लिख दीजिएगा। आईडी लिखने के बाद क्या कर लेंगे आप, ऑटो नंबर और तो क्या करेंगे, ठीक है और कुछ नहीं करना है, ये कहाँ बताए। हाँ लेकिन फिर चेंज करवा रहे हो, यही बताया हो तुम तो नंबर करवाए थे, हमको ऑटो नंबर भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत है, बस हो गया, ये भी बता दीजिए। और कुछ है ही नहीं है, खत्म हो गया आपका ऐड। और कोई टॉपिक होगी तो मैं चेक करूंगा, रन कराऊंगा, ये बार सारी चीज हो ही गई है, अभी बार टेस्ट होके और अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या पढ़ेंगे हम उसके बाद, आउटलुक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आउटलुक। ठीक है, आज की क्लास में आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है डाटा को, एक बार एक्सेल से एक्सेल पे लाना है और एक बार एक्सेल से एमएस एक्सेल पे ले जाना है, और विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल डाटा, बिहाफ ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। थैंक यू क्लास।